Hello students, welcome back. And today we are going to read about the non-Mendelian inheritance. देखो students, Mendel was the scientist जिसने genetics के laws दिए हैं and they are known as the laws of genetics. But apart from that, there are also rules that are known as non-Mendelian genetics. ठीक है, non-Mendelian inheritance भी होती है जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं फॉलो करते हैं. उसमें हमारे कौन कौन से केसेस आते हैं, हमारे बहुत सारे केसेस होते हैं. जैसे कि वी कैन से दैट मेंडल वाज लकी. एक्चुअली अगर आपको क्वेश्चन आया दैट व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस और व्हाट इज द केस ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, if it is true, why did Mendel not faced these issues? ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? यू हैव टू राइट द आंसर एज आपको इसका आंसर लिखना होगा दैट मेंडल चॉज्ड सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ पी प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पी प्लांट्स थे, उसने ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिए पी प्लांट के एंड सात कैरेक्टरिस्टिक्स लिए एंड दिस वाज द केस दैट दे डिडंट शो एनी सेग्रीगेंस. मेंडल वाज लकी इन द केस ही चॉज्ड the seven characteristics. He chose the seven characteristics and these characteristics were not showing any segregation. Any deviation from the three laws. ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि उसने जो स्पीशीज ली थी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, दैट वाज द पाइजम सैटिवम. पाइजम सैटिवम इज अ रियली, यू नो, ही वाज वेरी लकी इन दिस केस कि उसने पाइजम सैटिवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड ही वाज एंटायरली सक्सेसफुल फॉर दैट. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आगे चलते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी, ये सारे केसेस हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स की तरफ से मेंडेलियन जेनेटिक्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरकम करते हैं, थोड़ी सी डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम द मेंडेलियन जेनेटिक्स और द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. इसीलिए इन सब केसेस में हम क्या बोलते हैं दैट दीज जीन्स शो द नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? हमने डोमिनेंट और रिसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ लिया था, लेकिन व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? लेट अस सी द केस. So students, this is the characteristic. It is the inheritance in which the offspring shows intermediate character between the two parental characteristics. This is the inheritance. इसमें क्या होता है कि जो offspring होता है वो ना ही dominant वाले parent का exhibit कर पाता है अच्छे से और ना ही recessive वाले parent का character exhibit कर पाता है अच्छे से. Flower color in snap dragon and mirabilis jalapa shows incomplete dominance. Students, this is the snap dragon flower and this is the mirabilis jalapa flower that is also known as the 4 o'clock plant. यहाँ पे students आप देख सकते हो कि flower color के अंदर three characteristics हैं.
the red flower, the white flower, and the pink flower. The red flower, the white flower, and the pink flower. There are three types of flowers that are found. So here, cross between homozygous red and white produces pink flowered plant. यहाँ पे अगर हम red and white flowers का cross करते हैं, then they are actually able to produce the pink flowered plants. And these are known as the snapdragon and the 4 o'clock plants. Students, basically क्या होता है? हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट वाला क्या कर देता है, रिसेसिव वाले के जीन को या एंजाइम को इनहिबिट कर देता है या सप्रेस कर देता है या उसको नॉन फंक्शनल बना देता है. बट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो डोमिनेट कैरेक्टरिस्टिक है वो फुली डोमिनेट नहीं कर पाता रिसेसिव के ऊपर. एंड रिसेसिव वाला कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, खुद को एग्जिबिट करता है. खुद को एग्जिबिट करने की वजह से इसमें क्या आ जाते हैं, थ्री. देखो, रेड कलर का फ्लावर जो है दैट इज डोमिनेंट, व्हाइट कलर का फ्लावर जो है दैट इज रिसेसिव. बट जब यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्मेशन हुई है तो पिंक कलर के फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इन द बोथ द केसेस, है ना. तो ये पिंक कलर के जो फ्लावर्स हैं बेसिकली दे आर ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि जो रेड जीन है, रेड वाला जीन प्रॉपरली डोमिनेट नहीं कर पाया व्हाइट वाले जीन के ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो किया. चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड लेट अस रीड अबाउट द फीनोटिपिक एंड द जीनोटिपिक रेशियो. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर हम कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो उस केस में क्या होती है, हमारी जो फीनोटिपिक रेशियो होती है दैट इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1:1. बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमें फीनोटिपिक एज वेल एज द जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम देखने को मिल रही है. फीनोटाइप भी 3 टाइप के हैं और जीनोटाइप भी 3 टाइप के हैं. तो फीनोटाइप के अंदर हमें रेड, पिंक एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, जीनोटाइप के अंदर हमें कंप्लीटली डोमिनेंट, कंप्लीटली रिसेसिव एंड अ हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं. थस फीनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम. This means that R, जो capital R था, that was not completely dominant over the small R. P plants also show incomplete dominance in other traits. P plants क्या करते हैं, देखो, Mendel was lucky to carry the 7 characteristics. साथ के साथ जो gravity वाले characteristics उसने लिए थे, सातों ही किसी भी टाइप की इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डेविएशन नहीं शो कर रहे थे. बट बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी के भी, वो क्या करते हैं, वो डेविएशन शो करते हैं. यहाँ पे लिखा तो हुआ है पी प्लांट्स आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर केसेस. चलो स्टूडेंट्स, अब आगे जाके हम पढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ द एलील्स. स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारा कोडोमिनेंस का केस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट वाला खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता. को डोमिनेंस में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है. जैसे कि ब्लड ग्रुप ए बी टाइप, ए बी में ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, ठीक है. लेकिन इनकम्प्लीट के केस में क्या था, जो इनकम्प्लीट के केस में डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ fully. So this was the case. Now इसको देखते हैं हम. It is the inheritance in which both the alleles of a gene are expressed in a hybrid. Hybrid के अंदर जो दोनों gene present हैं, इस केस में कोई भी रिसेसिव या डोमिनेंट नहीं होता, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं 50-50%. So you can see that it is the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. Example, ABO blood grouping in human beings. ABO blood grouping in human beings के अंदर क्या होता है, इसका केस हम देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आया बोर्ड्स के अंदर दैट व्हाट इज ABO blood grouping, तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिख देना एंड यू विल एबल टू गेन फुल मार्क्स अकॉर्डिंग टू दिस. बस प्रेजेंटेशन से कुछ भी हम जब देखते हैं तो प्रेजेंटेशन में ग्राफिकली आपको ज्यादा, मतलब पिक्टोरिकली आपको ज्यादा दिखाया जाता है.
एग्जाम टाइम में आपने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी करना होता है एंड उसपे लिखना भी होता है। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली ब्रीफ में होते हैं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इलैबोरेट करके, बट आपको पेपर के अंदर तो इलैबोरेट करके ही लिखने होते हैं सारे पॉइंट्स, सो दैट यू आर नॉट एबल टू लूज एनी काइंड ऑफ मार्क्स। Okay, students, so that was the case. यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या है, इसको पढ़ते हैं। ABO blood groups are controlled by gene 1. It controls the production of sugar polymers that protrude from the plasma membrane of RBCs. The gene I has three alleles, that is IA, IB and small i. ठीक है, तो जिसके पास IA वाला जीन है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, जिसके पास IB वाला जीन है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B, एंड जिसके पास small i वाला जीन है उसके पास ब्लड ग्रुप हो जाएगा O. ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, अगर इनके पास स्मॉल आई है, जो स्मॉल आई वाला मींस ब्लड ग्रुप ओ है, दैट इज द रिसेसिव मोस्ट, तो आई वाला जो है वो किसी भी टाइप का शुगर नहीं प्रोड्यूस करता है। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, एंड जिसकी वजह से हमारे ब्लड ग्रुप्स में एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स जीनोटाइप्स देखते हैं कि किस जीनोटाइप की वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है। ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप आई ए, आई ए और आई ए स्मॉल आई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, आई ए क्या है, डोमिनेंट है, आई बी क्या है, वो भी डोमिनेंट है, स्मॉल आई इज रिसेसिव, तो स्मॉल आई के ऊपर आई ए और आई बी क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। ए बी कैरेक्टरिस्टिक तब आता है जब आई ए एंड आई बी का हाइब्रिड हो। ए बी जो होते हैं ब्लड ग्रुप्स, दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड, इसीलिए कॉमनली फाउंड होते हैं क्योंकि ये जो जीन है दैट इज को डोमिनेंट, ये जो केस है दिस केस इज को डोमिनेंट। ब्लड ग्रुप ओ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं हमें देखने को, बिकॉज दिस इज द रिसेसिव मोस्ट केस, और रिसेसिव होने की वजह से ये क्या करता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। स्टूडेंट्स इसको हम एक नेचुरल सिलेक्शन का केस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं दे आर द यूनिवर्सल रिसिपियंट्स, तो ये रिसीव कर सकते हैं, तो ये क्या है, ज्यादा सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं इन कंपैरिजन टू द ओ ब्लड ग्रुप, है ना। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या है, यूनिवर्सल डोनर्स, दे आर एबल टू डोनेट यूनिवर्सली, तो इसी की वजह से इनको यूनिवर्सल डोनर्स भी बोला जाता है, बट ये सर्वाइव करने की जो इनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कंपैरेटिवली कम होती है इन कंपैरिजन टू द ए बी ब्लड ग्रुप। इसीलिए ये आप मान सकते हो कि ये जो रिसेसिव और डोमिनेंट का केस है ये भगवान की तरफ से है, टू कीप ऑन मेंटेनिंग द नेचुरल सिलेक्शन सिस्टम। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि अगर पेरेंट ए ने ये वाला जीन दिया और पेरेंट बी ने ये वाला जीन दिया, तो हमारे पास क्या, कौन से वाला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, देखो अगर पेरेंट, एक पेरेंट ने दिया आई ए, दूसरे पेरेंट ने भी आई ए दिया, तो ब्लड ग्रुप होगा आई ए वाला, मतलब कि ए ब्लड ग्रुप। अगर एक पेरेंट ने आई ए दिया, दूसरे पेरेंट ने आई दिया, तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। अगर एक पेरेंट ने आई बी दिया, दूसरे पेरेंट ने भी आई बी दिया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप। अगर एक पेरेंट ने आई बी दिया, दूसरे पेरेंट ने आई दिया, तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। अगर एक पेरेंट ने आई ए दिया, दूसरे पेरेंट ने आई बी दिया, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी।
अगर एक पेरेंट ने, जिस पेरेंट ने, मतलब इसका कोई ये केस नहीं है कि मेल अगर ए देगा और फीमेल अगर बी देगी तो ही ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा। कोई भी ए या बी जीन दे रहा है साइमल्टेनियसली तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारा ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप इज द को डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। अब अगर दोनों ही पेरेंट्स जो स्मॉल आई वाला जीन दे रहे हैं, इन दैट केस जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी द ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, दैट विल बी द ओ ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको ये सारा केस समझ आ गया होगा एंड लेट अस गो नाउ टू सम मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिससे आपको और भी ज्यादा क्लियरली जो ये चीज है कोडोमिनेंस वाली क्लियर अप हो जाएगी। ओके तो वी आर हैविंग फादर एंड मदर, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, फादर का ब्लड ग्रुप है ए, बट इन दोनों के पास क्या है, हेट्रोजाइगस अलील्स हैं। हेट्रोजाइगस है मतलब कि ये ए ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप भी बना सकते हैं बच्चे का, बी ब्लड ग्रुप भी बना सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप भी बना सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप भी बना सकते हैं। ऑफस्प्रिंग जो ए ब्लड ग्रुप का फर्स्ट ऑफस्प्रिंग इज हैविंग द ए ब्लड ग्रुप, सेकेंड ऑफस्प्रिंग इज हैविंग द बी ब्लड ग्रुप, थर्ड ऑफस्प्रिंग इज हैविंग द ए बी ब्लड ग्रुप एंड फोर्थ ऑफस्प्रिंग इज हैविंग द ओ ब्लड ग्रुप। आई थिंक सो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी होगी कि कैसे कैसे जीन्स, किस किस तरह से जीन्स आने की वजह से कैसे कैसे हमारी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। नाउ ऑफस्प्रिंग्स आर इन ए ब्लड ग्रुप एंड दे आर हैविंग आई ए एंड आई बी, अगर इसका हम F2 क्रॉस करेंगे, F2 वाला क्रॉस करेंगे, अगर फादर का जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी है एंड मदर का ओ ब्लड ग्रुप है तो क्या केसेस बनेंगे, ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या केस हो गया, हमारे पास एक डोमिनेंट जीन का और एक रिसेसिव जीन का, ठीक है, तो किसी दोनों ही डोमिनेंट है तो दोनों ही डोमिनेट करें, इस केस में हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप का कोई भी केस नहीं आने वाला है। सो स्टूडेंट्स दैट वाज अ केस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स एंड चलो अब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं इन दिस वे। इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ अ जीन टू गॉर्न द सेम कैरेक्टर, मल्टीपल एलीलिज्म में भी हम ब्लड ग्रुप का केस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स एलील्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द सेम जीन, उनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो इन दिस केस आप देखो कि जो ब्लड ग्रुप का केस है बेसिकली उसमें भी दो मोर देन टू एलील्स हैं, दैट इज अ स्मॉल आई कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न द सेम कैरेक्टर, एलील्स ऑफ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप, इसके लिए ए जीन रिस्पॉन्सिबल है, बी जीन रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल आई वाला ओ जो ओ बनाता है ओ ब्लड ग्रुप वो रिस्पॉन्सिबल है। मोर देन टू जीन्स है मतलब मल्टीपल एलीलिज्म का केस है। As you can see here, there are three alleles, IA, IB and small I. In an individual, only two alleles are present. पर एक individual के अंदर दो alleles ही present है. Multiple alleles can only be found in a population. Suppose करो अगर हम कोई population ले रहे हैं तो उसमें हमें multiple alleles मिलेंगे, लेकिन एक इंसान के पास blood group के दो ही genes हो सकते हैं। Students, this is a case of multiple allelism. And multiple allelism ना जो blood group वाला है वो तो उसमें तो सिर्फ दो ही genes present होते हैं एक characteristic के एक organism में, लेकिन in the case of the skin color we can talk about there are more than three alleles and ये तीनों alleles जो होते हैं वो present होते हैं हर individual के अंदर,
तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो केस है, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है वो हम ऐसे करके यहां से पढ़ सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, दैट इज मल्टीपल जीन्स। एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट एक्सेट्रा। ह्यूमन हाइट के लिए भी मोर देन टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, स्किन कलर के लिए भी मोर देन टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इस टाइप की इनहेरिटेंस को क्या बोला जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट इट कंसिडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम, height from the dwarf to giant and color from very fair to very dark, है ना, negro, जिसको हम बोलते हैं albino and negro। In a polygenic trait, phenotype reflects the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive। मतलब polygenic inheritance के अंदर क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर को ऐड करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जियांट है, अगर हमारे पास थ्री एलील्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा जीन्स होंगे, बेसिकली एक्स्ट्रा अलील्स होंगे, वो क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। ऐड होते होते वो क्या करते जाएंगे? और टॉल, इवेंचुअली मोर टॉलर, मोर टॉलर, मोर टॉलर बनके ऑर्गेनिज्म क्या है? बहुत ज्यादा टॉल होगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख देती हूँ कि इफ देयर आर थ्री, जो बहुत ज्यादा जायंट पर्सन होगा उसके पास तीनों जीन्स क्या होंगे? टॉल वाले। जिसकी नॉर्मल हाइट होगी उसके पास तीनों जीन्स क्या होंगे? एंड जो ड्वार्फ होगा उसके पास तीनों जीन्स क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ हाइट। एंड कलर के केस में जो सबसे ज्यादा डार्क होगा उसके पास ये जीन्स होंगे, एंड जो सबसे ज्यादा लाइट होगा, मतलब एल्बिनो का कलर, ये वाला होगा रिसेसिव वाला, बिकॉज अ डार्क कैरेक्टरिस्टिक इज रिसेसिव एंड द एल्बिनो जो कैरेक्टरिस्टिक है व्हाइट कलर है, दैट इज सॉरी डार्क कलर इज द डोमिनेंट एंड एल्बिनो कलर इज द रिसेसिव वन। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।